शहरी और आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है। इसके जरिए रेडी पटरी वाले, ठेले वाले, छोटा दुकान जो बिठाते हैं, सड़क पर माल बेचते हैं, उनकी क्षमता और उनका काम चले इसके लिए ज़्यादा ऋण उपलब्ध कराने के फैसला किया है। ये योजना लंबे समय तक चलेगी क्योंकि कामकाज फिर शुरू कर सके और अपना जीविकोपार्जन सही तरीके से कर सके। इस योजना के 50 लाख से अधिक पटरी सामान बेचने वाले, ठेला वाले, हॉकर और रेडी पटरी वालों को लाभ मिलेगा। इनके द्वारा क्या क्या बेचा जाता है मालूम है आपको? सब्जी है, फल है, तैयार खाद्य पदार्थ है, चाय, पकौड़ा, ब्रेड, अंडा, कपड़ा, चप्पल, किताब, स्टेशनरी की आपूर्ति, बहुत सारे वस्तुएं यहाँ बेची जाती है, हम खरीदते हैं। इसके अंतर्गत सलून, मोची, लॉन्ड्री और पान की दुकानें भी आएगी। भारत सरकार कोविड 19 के दौरान इनके समक्ष आई परेशानी के प्रति संवेदनशील रही है। इसी के तहत इन्हें तत्क्षण सहयोग हेतु ये ऋण की योजना शुरू की गई है ताकि अविलंब ये अपने व्यापार को गति दे सके। स्थानीय शहरी निकाय इस योजना में क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका बजाएगा। शायद भारतीय इतिहास में पहली दफा आज़ादी के बाद ऐसा निर्णय लिया गया है, जबकि फुटपाथ दुकानदारों और रेडी ठाने वालों को, चाहे शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के हो, इस योजना के तहत इन सभी लोगों को, वर्गों को 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। इसे वो मासिक किस्तों में अधिकतम एक वर्ष के अंदर वापस लौटा सकते। समय पर भुगतान करने को वालों को 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी के रूप में लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगा। इसमें किसी तरह का दंड का प्राविधान नहीं है। आपको पता होगा कि 2006 में एक एक्ट पास करके एमएसएमई की व्याख्या की गई थी और वो व्याख्या जो थी वो उसके बाद घोषणा और उसमें आज का बदल, तीन बातों की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। एग्जिस्टिंग यानी सबसे पहले पुराना जो बात थी उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों अलग किए गए थे और उसमें माइक्रो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट यानी टर्म लोन जो होता है, जिसे इसमें इक्विपमेंट एंड फिक्स मशीनरी जो होती है, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट, उसकी कॉस्ट वो माइक्रो में 25 लाख थी और टर्नओवर जो था वो 10 लाख का था। अब माइक्रो में जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की हुई और टर्नओवर 5 करोड़ का हुआ, 10 लाख का एकदम 5 करोड़ हो गया। बाद में आज जो मीटिंग हुई उसमें यही कायम रखा हुआ है। फिर दूसरा सेक्टर था स्मॉल सेक्टर। हाँ, एक नई बात हुई है कि इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर है उसको दोनों को एक कर दिया है, ये अब अलग अलग नहीं रहे। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ की थी वो 10 करोड़ की हुई है और जो टर्नओवर 2 करोड़ का था वो अब 50 करोड़ का हुआ है, यानी 25 गुना बढ़ा है। जो मीडियम इंडस्ट्रीज थी उसके लिए पहले इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ थी और टर्नओवर 5 करोड़ का था। जो घोषणा हुई 13 मई को जो पैकेज हुआ था उसमें इन्वेस्टमेंट हुई थी 20 करोड़ की और टर्नओवर हुआ था 100 करोड़ का। आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हुआ क्योंकि हमने अलग अलग एसोसिएशन से जब इंटरेक्शन किया और अलग अलग प्रकार के एसोसिएशन से इंटरेक्शन करने के बाद सबने हमें ये कहा कि ये जो टर्न लिमिट है ये बढ़ानी चाहिए और जो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग वो टर्नओवर इससे निकाल देना चाहिए। तो आज हमने उनकी बात भारत सरकार ने स्वीकार की और प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग में निर्णय हुआ कि अब जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगी इक्विपमेंट में वो इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक रहेगी, जो 20 करोड़ की घोषणा थी वो 50 करोड़ हो गई और जो टर्नओवर था जो 100 करोड़ हुआ था वो 250 करोड़ रुपए हो गया। तो इसके कारण एमएसएमई को काफ़ी बड़ी राहत मिल जाएगी, ये बहुत बड़े प्रमाण पर इसका फायदा हमारे इंडस्ट्री को होगा। आज फिर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जो रिकमेंडेशन है 14 फसलों के लिए वो आ गई हैं, मंत्रिपरिषद के समक्ष विचाराधीन थी,
और आज मंत्रिपरिषद ने उनको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिसे धान को देखेंगे तो लागत का 50% अधिक मुनाफे को ध्यान में रखते हुए 1868 यह घोषित की गई है। इसी प्रकार से ज्वार हाइब्रिड को देखेंगे तो ये इसमें भी 50% मुनाफा हो इस दृष्टि से 2620 घोषित की गई है। बाजरा को अगर हम देखेंगे तो 83% को ध्यान में रखते हुए 2150 घोषित किया गया है। ऐसे ही रागी में 50% की वृद्धि है, मक्का में 53% की वृद्धि है, तूर अरहर में 58% की वृद्धि है, मूंग में 50% की वृद्धि है, उड़द में 64% की वृद्धि है, मूंगफली में 50% की वृद्धि है, सूरजमुखी में 50% की वृद्धि है, सोयाबीन में 50% की वृद्धि है, तेल में 50% की वृद्धि है, राम तिल में 50% की वृद्धि है और कपास में 50% की वृद्धि है।